भुख घट लगना या कई बार ज़्यादा भी लगना, किसी नाल गल करन दा मन ना करना, जिन्ना चीज़ां च पहलां तुहानूं प्लेजर आंदा सी हुण प्लेजर ना आना, कई लोकां नूं मरण दे ख्याल भी आन लग पैंदे ने। तो ये एक बीमारी है, एक इलनेस है ऑफ द ब्रेन। जदों भी किसी नूं एंगजाइटी या डिप्रैशन हुंदा है, स्पैशली इन इंडिया मैक्सिमम केसिस देखे जाते हैं वर्ल्ड ओवर, जिन्होंने असीं कहंदे मास्कड डिप्रैशन। मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो फिजिकल हेल्थ भी खराब हो सकती है। पेशेंट साडे कोल आएगा, वो ऐ नहीं कहेगा कि मैं डिप्रैस्ड है, वो कहेगा कि मैनूं दर्दां हुंदियां, ਇੱਥੇ दर्द ਹੁੰਦੀ है शरीर ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ दर्द ਹੁੰਦੀ है, कई ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ हो ਜਾਂਦੀ है ਜਾਂ पेट खराब ਰਹਿੰਦਾ है ਕਿਸੇ ਦਾ। सो ਉਹ बहुत सारे ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ बड़े सारे ਟੈਸਟਸ करवा ਲੈਂਦੇ ਆ, बट कुछ नहीं ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो बेसिकली ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ है। ਉਹ ਕਦੀ ਗੈਸਟਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਮ ਆਪਾਂ अर्ली ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ्रेस ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਸਟ्रेस ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? देखो स्ट्रेस अलग है, नॉर्मल रूटीन विच स्ट्रेस सानू जो हुंदा है, ठीक है, जो कि आजकल बहुत वध भी गया है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। एंगजाइटी और डिप्रेशन बहुत ही अलग चीज़ां ने। डिप्रेशन एक इलनेस है, ऐदा नहीं है कि वो सबनू हो जाती है। सैडनेस अलग चीज़ है, तुहानू भी लगता होएगा दिन विच कदी मूड लो है, बट डिप्रैशन असी उदों ही लेबल करते हैं किसी नूं जदों कि एक सस्टेन्ड पीरियड हुंदा है लो मूड दा, एटलीस्ट 14 दिन लिए, एंड उस दे नाल नाल होर भी कुछ सिम्पटम्स हुंदे हैं, जिद्दां स्लीप डिस्टर्बेंस होना, भुख घट लगना या कई बार ज़्यादा भी लगना, किसी नाल गल करन दा मन ना करना, जिन्ना चीज़ां च पहलां तुहानूं प्लेजर आंदा सी हुण प्लेजर ना आना, कई लोकां नूं मरण दे ख्याल भी आन लग पैंदे ने। तो ये एक बीमारी है, एक इलनेस है ऑफ द ब्रेन, जो कि तुसी खुद नू नहीं लगाई है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। एंड स्ट्रेस एक नॉर्मल जो है इस तो बिल्कुल हटके है। सो डिप्रेशन और एंगजाइटी एक इलनेस है, जस्ट लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। तो अगर असी इसनू एक इलनेस की तरह ट्रीट करांगे तो सानू एक्सेप्ट करन विच आसानी होएगी, एंड असी इसनू एक इलनेस की तरह ट्रीट भी बेटर कर सकांगे। मतलब कि डिप्रेशन और एंगजाइटी एक अलग मेडिकल टर्म च भी तुसी कहोगे तो बीमारी है, इट इज एन इलनेस। यस यस। तो मैम आप अर्ली लेवल दे उत्ते स्ट्रेस नू टैकल कर सकदे आ, हैंडल कर सकदे आ? देखो बिल्कुल कर सकदे आ। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ अपना डेली रूटीन विच अगर कुछ चीज़ों का ख्याल रखिए। अपने एक्सपीरियंस विच मैं देखा है दैट फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ एनी काइंड बहुत हेल्प करती है मेंटल हेल्थ नू भी अच्छा रखन दे विच। अगर तुसी जिम नहीं भी जा सकते, गो फॉर अ वॉक 30 minutes a day, 1 hour a day, it really helps। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ mental health है और ਤੁਹਾਡੀ physical health है, दोनों interconnected है। इधर मतलब अगर mental health ठीक नहीं है तो physical health भी खराब हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जदों भी किसी नूं anxiety या depression हुंदा है, especially in India maximum cases देखे जाते हैं world over, जिन्हों असीं कहंदे masked depression। Now what is masked depression? Patient साडे कोल आएगा, वो ऐ नहीं कहेगा कि मैं डिप्रैस्ड है, वो कहेगा कि मैनूं दर्दां हुंदियां, ਇੱਥੇ दर्द ਹੁੰਦੀ है शरीर ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਥੇ दर्द ਹੁੰਦੀ है, कई ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ हो ਜਾਂਦੀ है ਜਾਂ पेट खराब ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। सो ਉਹ बहुत सारे ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ बड़े सारे ਟੈਸਟਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, बट कुछ नहीं ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो बेसिकली ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ है, बट ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕਡ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਦੇ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੈਟ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। वो कभी गैस्ट्रो वालियां कोल जाणगे, कभी मेडिसिन वालियां कोल जाणगे, किसी टेस्ट विच कुछ नहीं आंदा, एंड एक्चुअली विच दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। यस। सो इट इज़ हैज़ अ फिजिकल कनैक्ट। तुहाडा जिहड़ा माइंड है, तुहाडी जिहड़ी बॉडी है, वो दोनों एक दूसरे दे नाल कनैक्टेड है। दीज आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स।